हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप फॉर टीनेजर्स गर्ल एंड ऑफ कोर्स बिगनर्स गर्ल भी, जिन्हें भी मेकअप नहीं आता। या गाइस, तो ये बेसिकली मेकअप लोग 12 to 13-14 ईयर्स नो के लिए है, जो कि काफ़ी इजी सा सिंपल सा होने वाला है। एंड यू नो आपको किन किन चीज़ों की स्पेशली बहुत ही नीड होगी इन मेकअप लुक में, या फिर आपके अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप। सो मैं काफ़ी यू नो मिनिमम प्रोडक्ट को रखने की कोशिश की हूँ, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हो मेकअप में एंड ऑल्सो टीनेजर्स हो, तो इतने अफोर्ड नहीं कर पाओगे बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट। सो मैंने काफ़ी मिनिमम प्रोडक्ट रखे हैं एंड काफ़ी यू नो अफोर्डेबल भी है एंड गुड क्वालिटी के साथ भी है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से। मेरे पास है निव्या क्रीम एंड आप एलोवेरा जेल को भी एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकती हो गाइस। एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सो दोनों काफ़ी अफोर्डेबल भी है गाइस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ आपको वही यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर है एंड आप उसे यूज़ करते हो, आपको सूट करता है, तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करो। सो गाइस, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे मॉइस्चराइजर। गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस मेकअप के लिए। सो गाइज, बेस मेकअप के लिए आप कोई कंसीलर यूज़ नहीं करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि गाइज आपको कंसीलर लेने की अभी बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्योंकि कंसीलर हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमें अपनी यू नो कोई डार्क सर्कल या फिर पिगमेंटेशन को हाइड करना हो। एंड मुझे नहीं लगता आप लोगों की एज में एंड अभी यू नो आपको कोई भी डार्क सर्कल या फिर यू नो पिगमेंटेशन की जैसे प्रॉब्लम होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत है तो आप जो बेस मेकअप के लिए यू नो यूज़ कर रहे हो, जैसे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या कोई फाउंडेशन, तो आप उसी को एज अ कंसीलर भी यूज़ कर लो गाइस। बेस मेकअप के लिए मेरे पास है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, वन ऑफ द माई फेवरेट बीबी क्रीम गाइस। ये हमारे स्किन को काफ़ी नेचुरल सा लुक देता है, डैट्स वाई आई रियली लाइक दिस गाइस। आप कोई सा भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, तो आप उसे अपने फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। एज यू कैन सी, मैंने क्रीम को अप्लाई कर लिया है एंड अब इसे ब्लेंड करने के लिए हमें नीड होगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। एंड गाइस, यूज़ करने से पहले आपको एक बार अपने ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन जरूर करना है। गाइस, इस तरीके से ब्लेंड करने से आप देख सकते हो कितना क्लीन फिनिश लुक मिला है। मेकअप करने से पहले हम अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं गाइस। वैसे लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमें नीड होती है अपने लिप को मॉइस्चराइज रखने के लिए, जिसके लिए आप यूज़ कर सकती हो लिप बाम। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वैसलिन गाइस। नेक्स्ट आपको चाहिए ब्रश, जिससे आप अपने आईब्रो को कोम करोगे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे आईब्रो अभी बिल्कुल भी मैंने कोम नहीं करा हुआ है एंड मैं इस ब्रश की मदद से अपने आईब्रो को सेट करूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे इस आईब्रो एंड इस आईब्रो की डिफरेंस। अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। अगर आपका स्किन टोन थोड़ा डस्की स्किन टोन में है, देन आप जा सकती हो पीच कलर के साथ, अदरवाइज यू कैन गो विथ ब्राउन कलर। सो गाइस, हियर आई एम यूजिंग ब्राउन कलर। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है अपने आईलिड पे एंड आईलिड पे थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद आपको उसे अच्छे से ब्लेंड करना है गाइस। अगर आप अपने आई शैडो को सबसे पहले अपने क्रीज एरिया पे लगा लोगे तो बहुत ही भद्दा सा लगेगा। क्रीज एरिया में आपको बिल्कुल थोड़ा ब्लेंड करना है, क्रीज एरिया पे आपको आई शैडो अप्लाई नहीं करना है। गाइज, एज यू कैन सी मैंने आई शैडो को अप्लाई कर लिया है एंड मैंने सिर्फ एक सेट लिया है, जो कि था ब्राउन कलर। एंड ब्राउन कलर को मैंने आईलिड पे एंड थोड़ा सा क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लिया। गाइज, अब हम चलते हैं मस्कारा की तरफ। सो मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर क्वीन सुपर मस्कारा। गाइज, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल।
अगर आप काजल के साथ कंफर्टेबल हो तो काजल यूज़ करो, एंड अदरवाइज अगर आप लाइनर यूज़ करना चाहते हो तो लाइनर भी यूज़ कर सकती हो। Guys, if you want to apply highlighter, so you can go with NYN highlighter. आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है हाईलाइटर में, सो ये आपको इसलिए 10 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। Now was the time to apply lipstick. So here I am using Matte Me Adios Pro lipstick. Guys, you can go with also matte lipstick. Guys, आप matte lipstick को भी apply कर सकते हो. Guys, next मैं lipstick को as a blush भी use कर लूँगी. So yeah guys, it was my today's video and I really hope you like this video. If so, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon. I will see you in my next video with my next topic. Till then, bye bye. Take care guys.